the role of the pediatric nurse is both. Both का means कि जो pediatric nurse का role होता है वो both यानी कि दो types का होता है, दो प्रकार का roles होता है, किसका pediatric both. देश लग के यहाँ लिख देता हूँ. Number one, एक तो क्या होगा, केयरिंग का काम होगा. पीडियाट्रिक नर्स का जो रोल होगा, एक तो केयरिंग का काम करेगी, राइट, और दूसरा किसका काम करेगी, क्यूरिंग का काम करेगी. केयरिंग एंड क्यूरिंग, द रोल ऑफ द पीडियाट्रिक नर्स इज बोथ केयरिंग एंड क्यूरिंग. अब इधर देखो, जो केयरिंग होता है एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. केयरिंग क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. केयरिंग क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, राइट. कंटिन्यूस क्या होता है, प्रोसेस होता है, कौन, केयरिंग. इन कंटिन्यूस प्रोसेस इन बोथ, इन बोथ वेलनेस एंड इलनेस, जो बच्चा वेलनेस हो या फिर इलनेस हो, उन दोनों के अंदर केयरिंग का कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. क्योंकि बच्चा इलनेस होगा तो स्पेसिफिक केयर देना पड़ेगा, और बच्चा वेलनेस होगा फिर भी उसकी केयर करना पड़ेगा. ये नहीं तो करना चाहता, बच्चे ने गिर गया है या फिर कुछ खा लिया है या कुछ ऐसा कर दिया जो उसकी हेल्थ खराब हो जाए, तो केयर रखना पड़ता है बच्चे की. एक मदर प्राइमरी केयर गिवर होती है बच्चे की, वो चाहे है इलनेस हो या वेलनेस हो बच्चा, लेकिन उसकी कंटिन्यूस क्या करती है, केयर रखती है. अगर उसकी केयर कंटिन्यूस नहीं रखी तो बच्चा चलकर कहीं भी जा सकता है, हो सकता है रोड पे चला जाए, हो सकता है कांटों में चला जाए, हो सकता है स्नेक को पकड़ ले, हो सकता है कुछ खा जाए, हो सकता है गिर जाए. तो केयर करना पड़ता है कि नहीं पड़ता, कंटिन्यूसली केयर रखना पड़ता है किसके, बच्चे की. इसलिए पीडियाट्रिक नर्स का रोल होता है, एक तो केयरिंग, केयरिंग का मतलब होता है कंटिन्यूस प्रोसेस इन बोथ वेलनेस और इलनेस. चाहे बच्चा बीमार हो या ना हो, फिर भी उसका कंटिन्यूस प्रोसेस होता है केयरिंग का. उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है. इसी को हम क्या बोलते हैं, केयरिंग. तो इट रेफर, केयरिंग में क्या आएगा बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इट रेफर हम यहाँ लिख लो HG और C. एक रेफर, तीन काम होते हैं इसके. HGC क्या होता है, पहला काम तो ये होता है कि बच्चे की मदद करती है, हेल्पिंग. पहला काम होता है हेल्पिंग. दूसरा काम होता है उसको गाइड करती, बच्चे ऐसा नहीं करने का, नहीं तो कौन आ जाएगा, तेरा शैतान मामू आ जाएगा. तो उसको गाइड भी करती है कि ये गलत है, ऐसा नहीं करने का, ठीक है, गाइडेंस, गाइडिंग. और सी का मींस काउंसलिंग, काउंसिल भी करते हैं, काउंसलिंग, बच्चे की काउंसलिंग, हेल्पिंग, गाइडिंग और काउंसलिंग. ये सब किसके पार्ट में, केयरिंग के. और केयरिंग कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस. एक क्वेश्चन पूछा गया था, केयरिंग कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, चाहे बच्चा हेल्थी हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी कंटिन्यूस उसका ध्यान रखना पड़ता है. जबकि क्यूरिंग, क्यूरिंग कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है. क्यूरिंग को हम बोलते हैं एट एज या फिर एट ऑफ डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ इलनेस. यानी कि इलनेस का पता लगाएंगे और उस इलनेस का क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे. बीमारी का पता लगाना और बीमारी को ठीक करना, इसका क्यूरिंग. क्यूरिंग कंसीडर इन मेडिकल्स और केयरिंग कंसीडर इन नर्सिंग. याद रखना, क्यूरिंग कंसीडर इन मेडिकल और केयरिंग कंसीडर इन नर्सिंग. तो पीडियाट्रिक भी दो होती है,
एक तो होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग राइट, पीडियाट्रिक नर्सिंग होता है जो पीडियाट्रिक नर्सिंग, इस पीडियाट्रिक नर्सिंग को बोलते हैं चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, क्या बोलेंगे इसको, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। दूसरा होता है पीडियाट्रिक मेडिकल्स, इसको क्या बोलेंगे, पीडियाट्रिक मेडिकल्स, जो कि डॉक्टर डिस्कस करता है, डॉक्टर इसमें देखता है कि बच्चे की ग्रोथ ग्रोथ कैसी हो रही है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, बच्चे के अंदर डिसऑर्डर तो नहीं है, डिसऑर्डर तो नहीं है, अगर डिसऑर्डर है तो उसका क्या करेगा, ट्रीटमेंट, डिसऑर्डर मिलता है तो क्या करेगा, ट्रीटमेंट। यस आर कंसीडर द क्यूरिंग नॉट केयरिंग, दोनों में अंतर है, क्यूरिंग एंड केयरिंग, केयरिंग कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो इलनेस और वेलनेस दोनों बच्चों के लिए दिया जाता है, ठीक है, और ये हेल्पिंग गाइडिंग काउंसलिंग रेफर करता है, क्यूरिंग ओनली फॉर इलनेस बच्चों पर लागू होता है जो बच्चे बीमार हैं, क्यूरिंग एक पीडियाट्रिक मेडिकल्स है, इसमें बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है, बच्चे के डेवलपमेंट को मॉनिटर किया जाता है, डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई किया जाता है।